हमारी भूल क्या खराब है और वही हमारी शक्ति है। राष्ट्र के प्रति हमारा संकल्प भी वैसे, देश के प्रति हमारा संकल्प भी वैसे और नेशन फर्स्ट की हमारी निष्ठा, इनमें कभी अंतर नहीं आता। और इसीलिए इस युवा संगठन से अपेक्षाएं भी बहुत रोनी पड़ रही है, क्योंकि हर पीढ़ी के हिस्से में अलग प्रकार की चुनौतियां और अलग प्रकार के अवसर रहते हैं। विच इन अदर वर्ड यू कैन से द हीट जनरेशन, और सवाल ये होता है कि आपने उस चुनौती को कैसे अवसर में बदला और अवसर को कैसे उपलब्धि में बदला। हुआ क्या था कि हमारा प्रशिक्षण अभी एजुकेशन मोड में ही था, तो उससे निकलने के लिए हमें थोड़ा समय लग रहा था, उसका हमें भी लिखता है साथ। तो सरकार बनने के कुछ ही दिनों के बाद, क्योंकि मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में रहता था देश भर में, दक्षिण भारत से भेजा करते थे मुझे जो अंग्रेजी बोलने वाले राज्य, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में बहुत सक्रिय है, तो मेरे साथ मिलने आया करते थे। तो कुछ दिनों में सरकार बन गई, मैं दिल्ली में था, मुझे फोन आया कि साहब आपके संपर्क में कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं उनको आपने जाके संभाला। ऐसा क्या हो गया, उस समय वो यूपीएससी का एक विषय चल रहा था सी सैट का, जो हिंदी का खाते निकालना था, बाद में निकाल भी दिया गया। तो काफी समय से चल रहा था, फिर मोदी जी की सरकार आई उसको, बोले साहब वो सारे बच्चे निकले हैं, वो कह रहे हैं आज हमने प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करना, प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, अब मोदी जी बता रहे। तो शायद सभी को समझ आया, कैलेंडर बनाया कि प्लान तारीख को तुमने धरना प्रदर्शन जनता मंत्र पर करना, प्लान तारीख को तुमने बाल काट के प्रदर्शन करना, प्लान तारीख को तुमने बाल कार्य करना, प्लान तारीख को उसी बेचारे कैलेंडर के हिसाब से चले। अभी जो आपने बात कही स्टार्टअप की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया था स्टैंडअप इंडिया स्टार्टअप इंडिया, तो उसको लोगों ने स्लोगन के रूप में लिया था। लेकिन अब हम आज देख रहे हैं कि पूरे देश में इनोवेशन स्टार्टअप की एक तरह से लहर आ गई है, और मैं आपको इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम का प्रणेता हूं तो इसमें बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से आपने शुरुआत की है, मैं डेली पेपर में चाहे दिल्ली का हो चाहे जम्मू कश्मीर का हो, जो चीजें आपने यहां कही हैं उनकी परिणति हो रही है। मैडम जिस तरह से आज उनका हमने भाषण सुना, मैंने इतने दिनों में यूनिवर्सिटी में कभी सुना नहीं था, जितना जोश था। कोई इस तरह की कोई वातावरण नहीं था, तो आते तो अपने कपड़े बदल करके वो चले जाते थे, और ये लगभग 3-4 महीने किसी प्रकार की दिनचर्या चले, और फिर एक दिन अचानक वो आराम होते। अब हमने भी बहुत ज्यादा ध्यान ही दिया कि हम तो सीनियर भी थे, सब लोग को लग गया कहीं और किसी काम में व्यस्त हो गए या फिर दूर दूर हो गया। तो 5-6 दिन के बाद एकदम भी सुबह सुबह मेरा दरवाजा खटखटाया, फिर मैं खोलता हूँ तो समय के एक बड़े वरिष्ठ अधिकारी वो खड़े थे, मुझे पूछते हैं कि आपका नाम जिसमें से क्या बता रहा, बोले यहाँ हमारे कुछ युवा कार्यकर्ता आया करते थे, हम लोग उसमें कितना आया तो करते थे, लेकिन कुछ चाय नहीं, बोले यही कहने हम आपसे आए हैं कि आप हमको ढूंढने भी ना निकलना। तो मुझे बात समझ में नहीं आई, तो फिर थोड़े समय के बाद बोले देखो ऐसा है, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी, तो तुम कॉलेज में थे तो हमारे यहाँ शाखा पर रेड पड़ा और वो सारे के सारे हिरासत में थे, अब उनकी पूछताछ करने तुम ले जाओगे तो तुम भी वहीं पहुंच जाओगे, तुम्हारी परीक्षा सर पे। तो इस प्रकार से ध्यान भी रखना, संवेदनशीलता के साथ कि आपका समय भी व्यर्थ ना जाए, तो एक प्रकार का ऐसा पारिवारिक संबंध बन गया कि जो लगभग एक जीवन का हिस्सा है। और जब मैंने त्याग पत्र भी नौकरी से लिया तो इन्हीं महानुभावों के अंदर तो समाज में मेरी मजाक भी उड़ाया जा रहा था कि सर्वम क्या होगा आपका, मैंने कहा जहां जहां तक जिन्होंने अभी तक चलाया आगे भी चलाएंगे, नहीं चलाएंगे तो कोई नहीं जिम्मेवारी। तो कहने का बात ये कि उसके बाद जैसे अभी इन्होंने बताया जो रिसेंट
पास है कि 1994 का जो उन्होंने देख लिया उस जमाने में हमारे विश्वविद्यालय का जो टोली थी काफी सक्रिय थी और वो बड़ा प्रतिकूल समय था।